हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कार्टून हेड के बारे में कि कार्टून हेड के अंदर आप आईज किस तरह फिक्स करते हैं। ओके, इन अ ईजी एंड अ बेटर वे। सो सबसे पहले एक सर्कल लीजिए और फिर उसे दो लाइंस में, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल में उसकी डिवीजन कर दीजिए। ओके, अब आपको उसमें प्लेस करनी है आईज। तो नॉर्मली आईज हम यूं प्लेस कर देते हैं, बस नॉर्मली हम आईज ऐसे प्लेस करते हैं दोनों यूं करके। लेकिन एक रिमाइंडर रखिए, जब भी हम अब जो बात कर रहे हैं वो इनिशियल स्टेजेस के लिए है। एडवांस लेवल पे आप कुछ भी कर सकते हो, यू आर गुड टू गो। अब जब भी हम ये ऐसे प्लेस करते हैं आइस को, तो एक चीज़ का ख्याल रखिए, जब आप सबसे पहले ये काम कर रहे हैं, ये कार्टून मेकिंग का शुरुआत ही करी है, जबकि इसमें करियर काफ़ी अच्छा है, तो आपको ये मेथड का यूज़ करना होगा। दिस विल हेल्प यू अ लॉट। जब भी आप आईज बनाएं, तो आईज की लेफ्ट और राइट प्लेसिंग के समय एक आईज का डिफरेंस रख लीजिए बीच में, लाइक दिस। तो उससे आपका करेक्टर के अंदर एक क्वालिटी दिखाई देगी जो कि आगे जाके काम आएगी आपके काफ़ी ज़्यादा। तो मैं यहाँ पे ये प्लेस कर देता हूँ ताकि आपके ध्यान में रहे हम किस बारे में बात कर रहे हैं। हम फेशियल फीचर उसके कार्टून के सही तरह से उसमें दिखाई दें और आप इनिशियल स्टेजेस पे हैं, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब जब हमने नोज़ टिप को उसके ऊपर प्लेस करना है, तो वो ये हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे, ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन से थोड़ा सा नीचे यहाँ पर आप प्लेस कर सकते हो इसको, या थोड़ा सा और छोटा कर सकते हो, ये अपने माइंड में हमेशा रखिए। और अब हम जो बात कर रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए। नोज़ के थोड़ा सा नीचे आपका आएगा ये माउथ, ओके, नोज़ के थोड़ा सा नीचे। तो उसको हम अलग कलर से कर देते हैं ताकि आपको बात क्लियर हो जाए कि आपने ईयर्स बनाने हैं। तो ईयर्स की एनाटॉमी सेम वैसी ही है जैसी आप फेस के अंदर बनाते हैं। चलो आइए उसके बारे में बात करते हैं। सी, अब यहाँ से जो लाइन जा रही है, एक तो ये आएगी और नोज़ के नीचे से जहाँ पे नोज़ ख़त्म होता है एज, वहाँ पे इसे हम दूसरे कलर से कर लेते हैं ताकि आपके माइंड में ये बात आ सके कि अगर आईज़ के हम यहाँ से भी ले सकते हैं और नोज़ के यहाँ से ले सकते हैं, तो जहाँ पे ये ख़त्म होते हैं वहाँ पे हम ईयर्स को बनाते हैं। तो जहाँ पे ये ख़त्म होते हैं वहाँ पे हम ईयर्स को बनाते हैं। तो माउथ हम ऐसे ही बना देते हैं, बट एक चीज़ का ख्याल रखिए, हाँ, अब जब माउथ आप बनाएंगे, कोशिश कीजिए कि आपकी आईज के एज से सीधा नीचे आता हो, ठीक है, इतना माउथ आपका हो तो आपका मतलब प्लेसमेंट सही आएगी। तो इस तरह से आप दोनों तरफ बना सकते हैं ईयर्स को, या आप इसके नीचे भी कर सकते हैं, मतलब इक्विवेलेंट आईज के नीचे आए तो उसकी प्लेसमेंट आप अच्छी कर देंगे। ओके, तो बाकी हम थोड़ा सा उसको क्लोज करते हैं ताकि आपको एक अकेली चीज़ दिखाई दे। वेल, नाउ अगर आप चाहें तो इसकी शेप के अंदर कुछ चेंजेस कर सकते हैं। ये है बेसिक्स, तो ये था हेड के अंदर आप फीचर कैसे बनाओगे। अब आप अगर चाहें तो एक्सपेरिमेंट्स अपने बढ़ाए जा सकते हैं। अब देखिए, एकदम से उसका जो करेक्टर है वो चेंज होता नज़र आता है, तो ऑलवेज एक्सपेरिमेंट विद द फेस एंड माउथ
भी ऊपर ले जाएं। सी, तो ये लाइंस ही हैं जो अलग अलग तरह से दिखाती हैं चीज़ों को। तो कार्टून्स में जब भी आप कर रहे हैं ये लाइंस का बहुत ही ख्याल रखना पड़ेगा आपको। चलो अभी हम इसको थोड़ा सा और रिफाइन कर दें, अगर तो हमें हमारा कैरेक्टर का और एक रूप दिखने को मिलेगा। अब ये बेसिक्स हैं, इन्हें हम डार्क कर देते हैं। आप कार्टून्स के ईयर्स वगैरह आप अलग ढंग से भी बना सकते हो, मतलब ये एक्सपेरिमेंट। चलो अभी हम इसको थोड़ा सा और रिफाइन कर दें अगर तो हमें हमारा कैरेक्टर का और एक रूप दिखने को मिलेगा। अब ये बेसिक्स हैं, इन्हें हम डार्क कर देते हैं।